अच्छा हेलो एवरीवन, देश राजवाड़ से किसी ने पूछ रहा था कि क्या आप बता सकते हो कि हेयर ड्रेसर और हेयर आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है, हेयर आर्टिस्ट क्या करते हैं और हेयर ड्रेसर क्या करते हैं। तो ये चीज़ बहुत बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री में भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हेयर आर्टिस्ट का क्या काम है और हेयर ड्रेसर्स का क्या काम है। एंड इसके साथ एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा, बार्बर। ठीक है, सो बार्बर के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको पता है कि बार्बर का क्या काम होता है, हेयर स्टाइलिस्ट का क्या काम होता है। तो अभी हम बात करेंगे बार्बर, हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर आर्टिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं बार्बर के ऊपर कि बार्बर क्या काम करता है। तो जैसे कि मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि बाल काटने को तो बार्बर ही कहते हैं। लाइक ये क्वेश्चन मेरे से कुछ दिन पहले ही जिम में किसी ने पूछा था। तो मतलब जो इंडस्ट्री के बाहर है उनको नहीं पता है कि बार्बर किसको कहते हैं, वो क्या करता है, और हेयर ड्रेसर हेयर स्टाइलिस्ट को क्या कहते हैं, उसका काम क्या है। बाल काटने को नॉर्मल जो इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं उनको यही पता है कि बाल काटने को बार्बर कहते हैं, क्योंकि उनको उतना आइडिया नहीं है, उतना पता नहीं है। ऑब्वियसली जो हमारे इंडस्ट्री में है, हम इंडस्ट्री में है या हमारे साथ में जो लोग इंडस्ट्री में है उनको पता होगा कि बार्बर क्या होता है। सो बेसिकली किसी किसी को ये भी नहीं पता है। बट इस चीज़ के बारे में हम कि हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसर और हेयर आर्टिस्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, इंडस्ट्री के भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले आते हैं बार्बर के बारे में कि बार्बर किसको कहते हैं और बार्बर जो है वो क्या करता है। बार्बर बेसिकली जो मेंस सलून में काम करते हैं या सिर्फ मेंस का कट करते हैं, बियर्ड करते हैं, सर्विसेज है वो सिर्फ मेंस का ही करते हैं, वो फीमेल का सर्विस यानी कि फीमेल का हेयर पे काम नहीं करते हैं, उनको कहते हैं बार्बर। अभी आते हैं हेयर स्टाइलिस्ट के ऊपर, जो जिसको कहते हैं हेयर ड्रेसर। तो हेयर ड्रेसर जो मेंस का भी करता हो और फीमेल का काम भी करता हो, मतलब मेंस हेयर स्टाइलिंग भी करता हो, बियर्ड भी करता हो, जेंट्स का हेयर कलर भी करता हो, उसके साथ साथ में फीमेल का भी हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलर और भी जो भी सारे सर्विसेज होता है हेयर पे, तो सारा सर्विसेज करता हो, मतलब कि बोथ मेंस फीमेल दोनों का काम करता हो, उसको कहते हैं हेयर ड्रेसर। अभी आते हैं हेयर आर्टिस्ट के बारे में। तो हेयर ड्रेसर में जो डिफरेंस होता है और हेयर आर्टिस्ट में जो डिफरेंस होता है, हेयर ड्रेसर जो होता है वो परमानेंट वर्क करते हैं, लाइक कलर, स्ट्रेटनिंग, ऑल्सो हेयर कट, और उसके साथ में जो भी परमानेंट वर्क होता है, लाइक आप कलर कर लो, स्ट्रेटनिंग कर लो, ये सारा परमानेंट वर्क होता है। तो ये हेयर ड्रेसर है। और जो टेम्प्रेरी हेयर डू स्टेज शो के लिए जो है, हेयर डू के लिए मॉडल्स को रेडी करते हैं या कुछ शो शूट्स के लिए, उसको कहते हैं हेयर आर्टिस्ट, जो हेयर पे आर्ट करते हैं। लाइक देखे होंगे ना कुछ, बहुत ब्राइडल होता है, वो ब्राइडल जो हेयर डू होता है, ब्राइडल में हेयर डू तो होता है, वो टेम्प्रेरी होता है, तो वो आर्ट होता है, इसीलिए उसको कहते हैं हेयर आर्टिस्ट, जो टेम्प्रेरी हेयर पे आर्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और वो जब वॉश होने के बाद ख़त्म हो जाता है या फिर ओपन करने से ख़त्म हो जाता है, तो वो एक तरीके से हेयर पे आर्ट हुआ, वो हेयर पे आर्ट कर रहा है, लाइक अलग शेप दे रहा है हेयर को, अलग डिज़ाइन कर रहा है हेयर को, यहाँ से स्टाइलिंग, यहाँ से स्टाइलिंग। आप देखे होंगे बहुत ही क्रिएटिव क्रिएटिव टाइप का हेयर स्टाइल होता है शोज़ में, या फैशन जो फैशन शोज होता है उसमें आपका ड्रेसअप के साथ साथ आप हेयर का भी देखे होंगे। हम लोग हेयर ड्रेसर है ना, तो जब फैशन शोज वगैरह कहीं दिखता है मोबाइल का स्क्रीन पे या टीवी के स्क्रीन पे, तो हम लोग ड्रेसअप हाथ में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग हेयर देखते हैं। तो बहुत ही क्रिएटिव टाइप का हेयर स्टाइलिंग क्या हो रहा था, तो वो जो करते हैं उसको कहते हैं हेयर आर्टिस्ट। तो आई थिंक क्लियर हुआ कि बार्बर, हेयर ड्रेसर और हेयर आर्टिस्ट में क्या क्या डिफरेंस है, वो क्या करते हैं, और ये डिफरेंसेस उनके काम की वजह से है कि वो उनका एक हर आर्टिस्ट का एक पर्टिकुलर अलग अलग डिवाइड किया हुआ वर्क कि वो ये करते हैं तो उनका ये काम है। तो लाइक जैसे क्रिकेट में है कि कोई बॉलिंग करता है तो बॉलर है, बैटिंग करता है तो बैट्समैन है, ओपनिंग करता है तो ओपनर है, तो इसी तरीके से हर किसी का अलग अलग डिवाइड किया हुआ वर्क, उसी हिसाब से उनको कहते हैं हेयर आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर एंड बार्बर।